ओम साई राम। अध्याय 41। गुजरेल फोटेवारी वार्ता खां नव साल पोए अली मोहम्मद जो हेमान पद सां गडजण थियो और फोटे जे बारे में बुधाई। एक डी घुमंदे फिरंदे एक दुकानदार खां बाबा जो फोटो खरीद कयम। उनके फ्रेम चाराए पेंजे बांद्रा वाले घर में भित ते टंगे छड्यम और हर रोज श्रद्धा और प्रेम विचा बाबा जन जो उन में दर्शन कंदो हुस। अवां जे होली उत्सव मल्हाइण खां टे महीना अग में मुंहिंजो पेर सुजी पियो हुयो, जंहिंजो ऑपरेशन भी करायम और पंहिंजे साले नूर मोहम्मद जे घर टिकियो पियो हुयुसि। बांद्रा वारे घर में 3 महीननि खां तालो लॻल रहियो ऐं घर में प्रसिद्ध बाबा अब्द रहमान मौलाना साहेब मोहम्मद हसीम साईं बाबा खां बाबा ताजिब बिन ऐं ॿिया संतन जे फोटनि जे रूप में हाज़िर हुया। लेकिन काल जी चक्र उन्हनि फोटनि खे बिकी न छॾियो। हिते त सिर्फ़ साईं बाबा जे फोटे खां सवाइ ॿियनि खे उॾई नास कयो हुयो, जंहिंमां साईं बाबा जी शक्ति ऐं सर्वव्यापकता जो पतो पवे थो। के साल अॻु में मूंखे मोहम्मद हसीम तारिया टोपण खां संत बाबा अब्दुल रहमान जो फोटो मिलियो हुयो, जो मूं पंहिंजे साले नूर मोहम्मद पीर भाई खे ॾिनो, जो 8 सालनि खां संदसि मेज़ ते रखियल हुयो। हिकु ॾींहुं हिन जी नज़र उन फोटे ते पई। उहो फोटोग्राफर वटि वञी उन खे वॾो इनराज करायम। उन जूं कापियूं कढाए पंहिंजनि दोस्तनि माइटनि में विरायईं, जिन मां हिकु कापी मूंखे बि मिली, जा मूं बांद्रा वारे घर में टंगे छॾी हुई। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान जो शिष्य मुरीद हुयो। जॾहिं हिन जी आम दरबार लॻी हुई, तॾहिं नूर मोहम्मद वॾे फोटे जी भेटा करण लाइ रूबरू वियो, पर फोटे खे ॾिसंदे ई संत अब्दुल रहमान ॾाढो कावरियो ऐं नूर मोहम्मद खे मारण लाइ थियो। खेसि ॿाहिरि कढी छॾियई, जंहिं ते नूर मोहम्मद ॾाढो दुख ऐं निरासाई थी। पोइ वीचार आयुसि त मूं केतिरा रुपया ख़र्च कया मोट में पंहिंजे मुर्शिद जो नाराज़ पो ऐं कावर रायम, छो त हू मूर्ति पूजा जी विरुद्ध बरख़िलाफ़ हुयो। तंहिं करे इहो फोटो हथ में खणी अपालो बंदर ते अची हिकु ॿेड़ी करे विच समुंड जे में सरन दरिया करे आयो ऐं ॿियनि मित्रनि ऐं संबंधियुनि सां वेनती करे 6 फोटा वापसि वठी बांद्रा जे वेझो समुंड में हिकु माछीअ हथां जल प्रवाह कराए छॾिया। मां अञा साले जे घर में ई हुयुसि त नूर मोहम्मद मूंखे चयो, जेकॾहिं तूं संतनि जा सभु फोटो समुंड में विझाए छॾींदे त तूं जल्दी चाक थी पवंदे। इहो ॿुधी मूं पंहिंजे मैनेजर मीठा खे बांद्रा मोकिलियो। घर में टंगियल सभु फोटा मैनेजर जे मार्फत समुंड में फिटा कराए छॾिया। 2 महीननि खां पोइ जॾहिं मां पंहिंजे बांद्रा वारे घर में मोटी आयुसि त ॾिठुमि मां पंहिंजे त साईं बाबा जो फोटो अॻे वांगुरु भित ते टंगियो पियो हुयो। मां सम्झी की न सघियुसि त मुंहिंजे मैनेजर जॾहिं सभु टंगियल फोटा समुंड में लोराए छॾिया त पोइ फ़क़ति साईं बाबा जो फोटो कीअं बची वियो। मूं यकदमि इहो लाहे छॾियो मतां मुंहिंजे साले जे उन ते नज़र पवे, उन खे वञी फाड़े छॾी। मां अञा इहो वीचार ई करे रहियोसि त फोटे खे कीअं संभाले रखां। बाबा जन पाण मूंखे सलाह ॾिनी त मौलाना मुजावर वटि वञी हिन जी हिदायत ऐं इच्छा मूजिबि
कम कर। मां मौलाना सां वनी गडिस और सब गाल बुदाई मास। थोड़े वक्त सोचण बैद हु हिन फैसले ते पौतो यो साईं बाबा जो फोटो हेमान पत के सौंपणी वाजिब और सब का सुठो उपाव दींदो। या सलाह पक्की करे असी बई अवां जे घर आयासी। साईं बाबा जो फोटो अवां के सौंपे व्यासी। मथी गाल मां जाहिर आहे त साईं बाबा त्रिकाल दिशी हुआ। कैरी न सुंदर नमूने में पंहिंजे भक्त हेमान पद जी इच्छा पूरी कयूं। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी के सदा आदेश। जै वक्त दाणू में बीवी देव मामलदार हो, उन वक्त खेस बेन धर्मी ग्रंथन सा गडोगड ज्ञानेश्वर महाराज जे भगवत गीता ते टिक्का कल ज्ञानेश्वरी पढ़ने जी डाढ़ी इच्छा हुई। हर रोज उन जो एक अध्याय पढ़ो हो और बिया ग्रंथ भी थोड़ो वक्त नजर में कढ़ो हो। पर जै वक्त हूँ ज्ञानेश्वरी पढ़ण वेहंदो हो त विच में के न के विघ्न अची पौंदा हुयस, जै करे हू तकर में पूरो करे छॾींदो हो और आनंद के न ईंदो हुयस। टिन महीननि जी मोकल वठी हू शिरडी आयो, पोइ पौन में पंहिंजे घर आराम करण लाइ वञी रहियो। उते बि नियम अनुसार ॿिया धर्मी ग्रंथ पढ़ंदो हुयो, पर जॾहिं ज्ञानेश्वरी जो पाठ शुरू कंदो त अहिड़ा उल्टा ख़्याल अची विराईंदा हुयसि जो लाचार थी पाठ पढ़णु बंदि कंदो हुयो। जॾहिं घणी कोशिश कंदे बि पढ़ी न सघियो तॾहिं निश्चय कयईं त बाबा जन जी कृपा ऐं आज्ञा मिलण खां पोइ ई हिन खे पढ़णु शुरू कंदुसि। 1914 फेबररी में कुटुंब समेत शिरडी में आयो त श्री जोग पुछुसि, ज्ञानेश्वरी जो रोज़ पाठ कंदो आहीं या न? देव जवाब ॾिनो, मर्ज़ी त ॾाढी अथमि पर सफलता प्राप्त कान थी अथमि। हाणे जॾहिं बाबा जन जी आज्ञा थींदी तॾहिं प्रारंभ कंदुसि। श्री जोग सलाह ॾिनसि त ज्ञानेश्वरी जी हिकु कापी ख़रीद करे बाबा खे भेट कर। जॾहिं हू पंहिंजनि कर कमलनि सां हिन खे छुई तोखे मोटाए ॾे तॾहिं पाठ करणु शुरू कजे। देव चयो, मूंखे इहा सलाह ठीकु नथी लॻे। जे बाबा जन अंतर्यामी आहिनि त मुंहिंजी दिलि जी इच्छा खाउन कीअं गुझी रही सघंदी? बाबा जन पाणे साफ़ शब्दनि में आज्ञा ॾेई मुंहिंजी मनोकामना पूरी न करे सघंदा छा? पोइ देव बाबा जन जो दर्शन करणु वियो। हिकु रुपयो दक्षिणा भेंट रखी त बाबा खां 20 रुपया दक्षिणा वधीक घुरी, जा हिन ख़ुशीअ सां ॾिनी। राति जो श्री देव पालक राम सां गॾियो ऐं पुछाईंसि, बाबा जन जी कृपा केतिरे क़दुरु प्राप्त कई अथई? बालक राम चयसि त मां सुभाणे आरती समाप्त थियण खां पोइ तोखे सॼो वृतांत सुणाईंदुसि। ॿिए ॾींहुं श्री देव दर्शन लाइ मस्जिद में आयो त बाबा वरी 20 रुपया दक्षिणा घुरियसि। जा पिणु हिन वॾे ख़ुशीअ सां भेटा रखी मस्जिद में पेर भीड़ हुअण सबबि पोइ वञी एकांत में वेठो त बाबा खे सॾाए पंहिंजे वेझो विहारियो। आरती समाप्त थियण बैदि जॾहिं सभु घर वापसि विया तॾहिं श्री देव बालक राम खे चयो त मूंखे पंहिंजो अॻियों इतिहास ॿुधायो ऐं बाबा तर्फ़ां कयल उपदेश ऐं ध्यानु वग़ैरह जे बारे में पुछो। बालक राम अञा उत्तर ॾियण लाइ संभरियो त भगत चंद्रू कोड़ी अची श्री देव खे बाबा जन ठाकुर थी। देव उते पहुतो, बाबा जन चयसि पाण में कहिड़ियूं पे ॻाल्हियूं कयव? श्री देव उत्तर ॾिनो, मां बालक राम खां अव्हां जी कीर्ति ऐं गुणगान ॿुधी रहियो हुयुसि।
बाबा उते खाउस 25 रुपया दक्षिणा घुरी। जा पिण हिन खिली खुशी थी ॾिनी। पोइ बाबा खेसि अंदरि वठी वियो, पंहिंजे आसन ते वेही खेसि चयो, तूं मुंहिंजी मोकल खां सवाइ मुंहिंजनि चंदनि जी चोरी कई आहे। देव चयो त भॻवान, जेतिरे क़दुरु यादि अथमि मूं कॾहिं अहिड़ो कमु कयो ई कोन्हे। पर बाबा चयसि, तो ज़रूरु चोरी कई आहे, तूं चङी तरह ढूंढे ॾिस। देव घणी ॻोल्हा फोला दिलि में कई, मगर कुझु बि पतो की न पियुसि। उन ते बाबा कावड़ जी चयसि, त तोखां सवाइ हिते ॿियो कोई कोन्हे, तूं ई चोर आई। तुंहिंजा अछा वार बि अछा थी विया आहिनि, ॿुढो अची थियो आई, त बि हिते चोरी करण आयो आई। पोइ लाल लाल अखियुनि सां देव खे गारियूं ॾियण ऐं डांटण लॻो, मगर देव शांति सां सभु कुझु ॿुधंदो रहियो ऐं ॿाहिरि वञी वेठो। कलाक खां पोइ बाबा जन खेसि चयो, हाणे घर मोटी वञ। घर मोटी सॼो हाल श्री योग पालक राम खे ॿुधाई। ॿिनि पहरनि खां पोइ बाबा जन सभिनी सां गॾु देव खे बि घुरायो, चवण लॻा त हिन चोरी कई पर क़बूल नथो करे। वरी देव खे 12 रुपया दक्षिणा घुरियऊं। जा हिन ॿियनि खां वठी अॻियां भेटा करे नमस्कार कयो, त बाबा जन चयसि, अॼुकल्ह तूं छा करे रहियो आई? देव, कुझु बि न बाबा, हर रोज़ ज्ञानेश्वरी जो पाठ कंदो कर। वाड़े में वेही ज्ञानेश्वरी जा अध्याय नंबर वार पाठ कजे, जेकी पढ़ी हुन जो अर्थ ॿियनि खे प्रेम भक्ति पूर्वक समझाइजे। मां त तोखे सोनो शीलो भेट ॾियणु चाहियां थो, तूं ॿियनि वटि चिंदियुनि जी इच्छा सां छो थो वञी? इहो तुंहिंजे मुंहं ते पवे थो। ज्ञानेश्वरी पोथी पढ़ण जी आज्ञा प्राप्त करे देव ॾाढो ख़ुशि थियो। समुझाई, हाणे मूंखे दिलि घुरी वस्तु मिली वई आहे, आनंद पूर्वक ज्ञानेश्वरी पढ़ी सघंदुसि। पोइ साष्टांग दंडवत करे चयाईं, प्रभु, मां अव्हांजी शरण में आयो आहियां, मां हिकु अबोझ बालक आहियां, मूंखे पढ़ण जी सहायता कयो। बाबा जी कृपा सां हींअर सफ़ा समुझ में आयसि त मूं जेकी बालक राम खां पुछियो हुयो सो चंदी समान हो, ऐं बाबा जन जी उन्हनि विषयनि में रुचि कान हुई, छो त बाबा जन पाण सभिनी जी शंकाऊं दूर करण लाइ हमेशह तयारु रहंदा हुआ। ॿियनि खां अजाया सवाल पुछण खेनि सुठो न थिए लॻो, तंहिं करे देव खे डांटियाऊं ऐं मथिस कावड़ कयाऊं। देव बाबा जन जी कावड़ जे शब्दनि खे हिकु आशीर्वाद करे समझी ख़ुशि थी घर मोटियो। मथी मोकल ॾियण खां हिकु साल पोइ बाबा जन ख़ुदि देव वटि आया विया ऐं पुछाऊंसि त वाधारो केतिरो कयो अथई। 4 अप्रैल 1914 विस्पत जी सुबुह जो बाबा सुपने जो दर्शन ॾेई पुछियुसि, हाणे पोथी समुझ में अचे थी? देव जवाबु ई की न ॾिनो। तंहिं ते बाबा चयो, पोइ तूं कॾहिं समुझंदे? देव अखियुनि मां लुड़क वहाए चयो त हे भॻवान, मूंखे पक आहे त जेसी अवीं मूं ते कृपा रूपी मींहुं न वसाईंदा, तेसी ज्ञानेश्वरी जो अर्थ समुझण मूं लाइ मुमकिन न आहे। बाबा जन चयसि, मुंहिंजे साम्हूं मूंखे पढ़ी ॿुधाए। तूं तकिड़ो थो पढ़ी, अध्यात्म विषय वारो अध्याय पढ़ंदो कर। देव पोथी खणणु वियो, नेत्र खुली पियसि, सपनो ख़तमु थी वियुसि। हाणे पाठक ख़ुदि हिन ॻाल्हि ते पाण बि ख़ूब सोचनि ऐं अनुमान लॻाइनि
त देव के सपने मां कहिड़ो न आनंद आयो हूंदो। मथियों बयान 19/10/1944 वारे पत्रिका में ज़ाहिर कयो वियो हो। ओम साईं राम।